दोस्तों, मैं आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं आप बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं और उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है, मतलब एम कनेक्ट प्लस को अगर मैं आप डाउनलोड कर लिए हैं और जब भी उस पर क्लिक कर रहे हैं, कन्फर्म पर क्लिक कर रहे हैं, तो आपको एक एरर ज़रूर आता होगा, ऑलरेडी अदर डिवाइस में रजिस्टर्ड ज़रूर बताता होगा। सोल्यूशन क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। और बहुत सारे लोगों में दिक्कत ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग में OTP ऑटोमेटिक फिल नहीं हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। मतलब A to Z जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है रजिस्ट्रेशन करते समय, हो सकता है कि आप लोग अपना MPIN भूल गए होंगे या एप्लीकेशन पासवर्ड भूल गए होंगे या फिर अदर डिवाइस में रजिस्टर्ड बता रहा है, ये अगर मेरा रहता होगा या फिर आपके में OTP नहीं आता होगा, तो इसका पूरा सोल्यूशन A to Z बताऊँगा। मगर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको A to Z प्रोसेस बताया हूँ और इसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपको A to Z प्रोसेस बता देता हूँ। आप लोग अपना बैंक का बड़ौदा का एप्लीकेशन ओपन जब करते होंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लोग लॉगिन ज़रूर करते होंगे, उसके बाद आप लोग कन्फर्म पर क्लिक करते होंगे, उसके बाद आप लोग अपना सिम सेलेक्ट करते होंगे, ठीक है। और सिम सेलेक्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप लोग अपने जो भी सिम है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें 2 रुपया बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये SMS जाता है, उसके बाद सक्सेस होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर दिखाता है। तो आप लोग अपना बैंक का जो भी बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आप लोग अपना सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ओके। देखिए यहाँ पे SMS चला गया है, सक्सेसफुल हो गया, अभी डायरेक्ट मोबाइल नंबर दिखाएगा जबकि दिखा दिया मोबाइल नंबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका दिखा देता ही होगा, अब आपको क्या करना है, आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि ऑलरेडी आपका किसी दूसरे मोबाइल में डिवाइस में रजिस्टर्ड है। अब आपको इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, मतलब इसे हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 तरीका उसे हटाने के लिए, या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर ATM मशीन से कर सकते हैं। तो ATM मशीन से कैसे करते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग से कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं जो ये एरर आ रहा था ना, इसको हटाने के लिए पहले मैं आपको ATM मशीन से दिखाता हूँ। अगर मैं आपके पास नेट बैंकिंग नहीं होगा तो पहले आप ATM मशीन से कर लीजिए, जिसे ATM मशीन से कर लेंगे और फिर से आके इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये जो भी एरर आ रहा है ये हट जाएगा। तो चलिए किसी ATM मशीन से करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी बैंक का बड़ौदा के ATM मशीन पे जाना है, जहाँ भी हाल फिलहाल आप हैं, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आप लोग अपना ATM कार्ड ATM मशीन में स्वाइप कीजिए। स्वाइप करते ही कुछ इस तरह का आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, आप लोग अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि आपको अब इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एंटर पिन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे एंटर पिन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना पिन डालना है, और उसके बाद पिन डालते ही कुछ इस तरह का आ जाएगा। आपको लेफ्ट साइड में 3रे नंबर पे एम कनेक्ट मोबाइल बैंकिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, 2रे नंबर पे डी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा प्लीज एंटर द 10-डिजिट मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है हाल फिलहाल जो बैंक से रजिस्टर्ड हो, मोबाइल नंबर डाल के प्रेस करेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से बोलेगा री एंटर, मतलब वही मोबाइल नंबर आपको दोबारा डालना है। तो जो हाल फिलहाल अपना मोबाइल नंबर डाले रहेंगे वो आपको दोबारा डाल देना है, उसके बाद प्रेस करेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग है या करेंट अकाउंट है। तो सभी का सेविंग अकाउंट होता है, तो आपको क्या कीजिएगा, सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर डी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जिससे आपका ए सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका काम यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और अब आपको अपने मोबाइल पर जाना है, तो जैसे आप लोग ATM मशीन से डी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और फिर इस पर क्लिक करते हैं, तो ये जो एरर आ रहा था ए वाला, ठीक है, ये 100% है कि ATM मशीन से करने के बाद ये वाला एरर आपका हट जाएगा। सीधा एक कार्ड नंबर मांगेगा, अकाउंट नंबर मांगेगा और आपका मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। और ATM मशीन से नहीं करना चाहते हैं, घर बैठे करना चाहते हैं, तो वो नेट बैंकिंग की सहायता से कर सकते हैं। चलिए नेट बैंकिंग की सहायता से कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, और गूगल में जाने के बाद आपको लिखना है BOBI बैंकिंग। देखिए यहाँ पे BOBI बैंकिंग, उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आपको रिटेलर यूजर पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर से डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर देना है। जिससे उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका यूजर आई डी है वो आपको अपना यूजर आई डी डालना है। मतलब अगर मैं आप नेट बैंकिंग
का आईडी पासवर्ड अगर मैं आपके पास होगा तो उसका यूजर आईडी आपके पास जरूर होगा, तो उसका यूजर आईडी डालिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई मेरे पास यूजर नहीं है, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं हाल फिलहाल 2 से 3 दिन के बाद वीडियो बना दूंगा, 100% बनाऊंगा कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। बनाने के बाद आप अपना जो एरर आ रहा था वो सॉल्व कर सकते हैं, या पिन भूल गए हैं, एम पिन भूल गए हैं, वो सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपका यूजर आईडी है वो आपको अपना यूजर आईडी डालना। चलिए हम अपना डाल लेते हैं। यूजर आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो जब जो भी आपका मोबाइल नंबर है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में रजिस्टर्ड है, वो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने से पहले आपको अपना 91 पहले लगाइएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा। चलिए हम डाल लेते हैं अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP को इसमें फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पासवर्ड डालने के लिए। तो जो भी आपका पासवर्ड है, ठीक है, वो आप लोग अपना पासवर्ड डालिएगा। जब आपका यूजर आईडी होगा तो आपके साथ पासवर्ड तो जरूर होगा, वही पासवर्ड आपको डालना है जो कैप्चा है फिल करना है। वो पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लॉगिन हो जाएंगे आप। यहाँ पर देखिए मैं नेट बैंकिंग में अपने लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह का आ गया, यहाँ पे नाम भी बता दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जूम करता हूँ और आपको क्या करना है, आपको सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग एम कनेक्ट प्लस, जबकि ATM मशीन में भी आया था। तो आपका अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो आप ATM मशीन से कर लीजिएगा, उसके बाद मोबाइल करेंगे लॉगिन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैं ABA है नेट बैंकिंग है तो आप घर बैठे कर सकते हैं, ATM मशीन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग एम कनेक्ट प्लस पे आपको क्लिक करना है। तो जिससे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का खुल के आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन और रिसीट MPIN, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको डी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, और अगर मैं आप MPIN भूल गए हैं, ठीक है, तो आपको रिसीट MPIN पर क्लिक करेंगे, फिर से करेंगे तो MPIN आ जाएगा। अगर मैं डी रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम आता होगा मोबाइल में वो सारा प्रॉब्लम हट जाएगा। अगर मैं बाई चांस आपके में OTP ऑटोमेटिक फिल नहीं होता होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस रीज़न से फिल नहीं होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे डी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट करना है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना कस्टमर आईडी सेलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट करना है, उसके बाद आपको रिमार्क्स, हाय हेलो या हाय कुछ भी लिख दीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पे बोलता है ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो आपको फिल करना है। जब आप लोग आईडी पासवर्ड बनाए होंगे, लॉगिन पासवर्ड, तो उसके साथ एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी बनाए होंगे, वही आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है। चलिए मैं अपना डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए डी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, मेरे को एक SMS भी आ गया है, ठीक है। तो आपका जब ये वाला काम हो जाता है डी रजिस्ट्रेशन, तो सीधा आप लोग यहाँ से नेट बैंकिंग से निकल जाइएगा। जबकि देखिए मेरे में SMS में आपको दिखाता हूँ, पहले देखिए 5:28 हो रहा है और 5:28 पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे SMS आया है, डी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एम कनेक्ट प्लस में लॉगिन करता हूँ इस पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा, अब मैं अपना सिम सेलेक्ट करता हूँ, सिम सेलेक्ट किया, SMS सेंड हुआ, ठीक है। तो आपका भी SMS सेंड हुआ होगा, आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा। अब आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जो अभी एरर आ रहा था अब नहीं आएगा, 100% बताता हूँ नहीं आएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसके जब नेट बैंकिंग या ATM मशीन से करने के बाद, मतलब देखिए फिर से बता देता हूँ, नेट बैंकिंग ये वाला आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो ATM मशीन से जो प्रोसेस बताया हूँ सेम कीजिएगा। और सेम करने के बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक जब फिल हो जाएगा, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का आ जाएगा। मतलब 100% है, कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। मतलब ATM मशीन से करने के बाद आएंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब आपका जो दिक्कत था वो हट गया रहेगा, जैसे कि मेरा हट गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OTP आएगा। अब बहुत सारे लोगों को में दिक्कत ये होता है कि OTP ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि OTP ऑटोमेटिक फिल क्यों नहीं होता है। देखिए, जैसे कि सस्ते मोबाइल में डाल दूँ ना तो ये OTP ऑटोमेटिक फिल नहीं ले पाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपके में OTP ऑटोमेटिक फिल नहीं ले पा रहा है,
मतलब ऑटोमेटिक वो फिल नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर मोबाइल चेंज करके देखिए, आपका वो काम हो जाएगा, मतलब मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं ऑटोमेटिक मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है ओटीपी, तो क्योंकि मोबाइल कम पैसे का है, आपका कम वर्जन का है, इसलिए वो सपोर्ट वो ओटीपी नहीं कर रहा। तो बस यही रीज़न होता है कि ओटीपी बहुत सारे लोगों में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसका रीज़न बता दें कि अपना मोबाइल नंबर मोबाइल चेंज कीजिए, देखिए 100% है कि ओटीपी सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट है वो आपको डालना है, जिससे कि ये वाला एटीएम कार्ड है इसका 6 डिजिट लास्ट का डालना है। तो जो भी आपका एटीएम कार्ड होगा, जैसे कि मेरे को 00889 6 डालना है, तो चलिए मैं अपना डाल लेता हूँ 00889 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे MMM, तो MMM की मतलब यहाँ पे वैलिडिटी होता है कि कब एक्सपायर हो रहा है, तो 09 है ना, तो आपका जो भी होगा वो आप लोग डालिएगा। जैसे कि मैं MMM में 09, यहाँ पे 24 लिखा है, तो 2024 या 25 जो भी आपके में लिखा होगा वो आप लोग डालिएगा। जैसे कि मेरे में 2024 है, तो यहाँ पे मैं 2024, अब देखिए यहाँ पे 09, यहाँ पे 24 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालना है, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो फिल कीजिएगा। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का हो गया, आ गया अकाउंट नंबर। अब आपका अपना अकाउंट नंबर खुद डाल दीजिएगा, डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन पासवर्ड लगाना है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक MPIN आ भी गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास MPIN आ गया, जो MPIN है ना SMS के थ्रू आता है, वो मेरा MPIN आ गया। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना एक एप्लीकेशन पासवर्ड क्रिएट करना है। ये आपको कब काम आएगा, जब इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो पहले ही बार मैं मांगेगा कि आपको अपना एप्लीकेशन पासवर्ड डालिए, जैसे कि जो आपको याद करके रखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ 2525, फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ 2525, ठीक। यहाँ पे मैं डाल दिया, ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह का आ गया। अब आपका भी आएगा, उसके बाद एग्री पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है MPIN, तो जो भी आपके SMS में MPIN रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पे MPIN डालना है। चलिए मेरे SMS में 100% आया होगा, यहाँ पे देखिए 5:32 पर आया है, यहाँ पे मेरा MPIN आया है। जबकि यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए वेलकम, यहाँ पे MPIN मेरा आया है 9552, ठीक है। तो मेरा जो है MPIN है 9552 है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 9552। जबकि यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा MPIN है 9552। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग MPIN तो जो SMS में आया रहेगा वो डाल देंगे, बट आपको न्यू एक क्रिएट करना है। न्यू कैसे क्रिएट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाला था अपना एप्लीकेशन पासवर्ड में 2525, यहाँ पे डालता हूँ 3636, फिर से मेरे को कंफर्म में भी 3636। अब आपको जब पैसा ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो आपको ये वाला MPIN नहीं डालना, इसको भूल जाइएगा, ठीक है। अब जो क्रिएट किए रहेंगे उसको डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से डाल देता हूँ 3636। अब ये आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हो गया, चलिए ओके। अब जब आप लोग इस पे, जब उसके बाद कुछ इस तरह का जाएगा, अब आपको क्या करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मेरा नाम दिखाने लगा, जबकि मेरे ब्रदर का है, तो नाम दिखाने लगेगा। और आपको क्या करना है, आपको जो भी एप्लीकेशन पासवर्ड रहेगा वो आपको डालना है, जैसे कि मैं सेट किया था 2525। देखिए यहाँ पे दिखाने लगा है मोबाइल बैंकिंग दिखाने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माई अकाउंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे बैलेंस 0 दिखा रहा है, ताकि मैं अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रखता हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए मैं अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रखता हूँ, ताकि बहुत बार मेरा हैक हो चुका है, मतलब मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया है, ठीक है। इसलिए मैं अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रखता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आप लोग अपना एप्लीकेशन पासवर्ड बनाए रहेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जब बार बार इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग अपना एप्लीकेशन पासवर्ड ही मांगेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, आप लोग 2 दिन बाद या 2 घंटे के बाद जब एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का है मांगेगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, तो जो भी आप लोग अपना एप्लीकेशन पासवर्ड ही रहेंगे वो आपको डालना है। जैसे कि मैं डाला था 2525, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप लोग पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वो MPIN मांगेगा, ठीक है। मगर जो मैं सही छोटा मोटा आप लोग को अपडेट बताना था, वीडियो पसंद आ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैं कोई मन में शंका होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।